जब हम लोग ना किसी के ऑर्गेनाइज्ड घर को देखते हैं तो हमारे मन में भी यही ख्याल आता है कि क्यों ना हम भी अपने घर को इसी तरह से ऑर्गेनाइज एंड मेंटेन करके रखें। बट फिर सोचते हैं कि इतने महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र हम कहाँ से लाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपने घर की पड़ी चीज़ों से ही अपने घर को एकदम से ऑर्गेनाइज करके रखना है। उसके लिए हमें छोटी छोटी सी हैबिट्स को अपनाना है। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही छोटी छोटी सी आदतें शेयर करूंगी जो कि अगर आप लोग डेली लाइफ में फॉलो करते हैं तो यकीन माने आपका घर ना एकदम से नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रहने वाला है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना आपके एफर्ट्स के, बिना आपकी मेहनत के आपका घर इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज रहने लगा। तो सबसे पहले ना यहाँ से मैंने अपने बेडरूम से स्टार्टिंग की है। जो भी सामान या कपड़े वगैरह मेरे इधर उधर थे तो मैंने उनको उठा के उन्हीं की जगह पर रख दिया है। साथ में मॉर्निंग में ना बच्चों को बाथ दिलाया था तो जो भी टॉवल्स वगैरह गीली थी तो मैं उन्हें ऐसे ही नहीं रखूंगी बल्कि धूप में उनको डाल दूंगी जिससे कि ना उनमें स्मेल वगैरह ना आए। इसी के साथ ही अब हम अपने बेड को अच्छे से बना लेंगे। तो और भी जो भी कपड़े वगैरह हैं, धुले हुए वॉश करे हुए कपड़े हैं तो आप उन्हें फोल्ड करके तुरंत ही उसी की जगह पर रख दें। और साथ ही जो कपड़े पिने हुए हैं अगर आपको वॉश नहीं करने हैं, दोबारा उन्हें फिर पहना जा सकता है तो आप उन्हें कहीं भी हैंग कर दें। उसके बाद ना आप अपने बेड को अच्छे से बना सकती हैं। अगर आपको फर्निशिंग चेंज करनी है, बेडशीट वगैरह चेंज करनी है तो आप उसको चेंज कर दें। अगर आपने ना चेंज नहीं करनी है तो बस उसे ऐसे ही हटा के वहाँ से और अच्छे से आप कहीं भी बरामदे में, बालकनी में ले जाके उसको झाड़ लें और उसके बाद उसकी अच्छे से टकिंग कर दें। आपको बस एक मिनट देना पड़ेगा और उस एक मिनट में आपकी बेडशीट की टकिंग इतने अच्छे से हो जाएगी कि ना फिर बच्चे कितना भी चाहें उस पर खेलें कूदें बट आपकी बेडशीट बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपनी बेडशीट को एक से दो मिनट दिए, उसकी अच्छे से टकिंग की और टकिंग करने के बाद जो भी मुझे पिलो वगैरह रखने थे तो वो मैंने यहाँ पे रख दिए। हम लोगों के घर में ना जो भी गंदे कपड़े होते हैं वो इसी तरह से पड़े रहते हैं और ये भी एक मैस क्रिएट करते हैं। तो आपने ना कोशिश करनी है कि कोई भी एक बकेट ले सकते हैं, टब वगैरह ले सकते हैं, उसमें आप अपने घर के जितने भी वॉश करने के लिए कपड़े हैं उनको आप उसमें रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपके पास कोई महंगा ऑर्गेनाइज़र हो। आपके वॉश किए हुए जो भी कपड़े हैं वो आप उनको ऐसे ही ना छोड़ें, कोशिश करें कि आप उनको तुरंत ही फोल्ड करके रख दें। इससे ना ये होगा कि वो कपड़े एक मैस क्रिएट नहीं करेंगे। 2 से 4, 6, 8, 10 जितने भी कपड़े हैं आप उनको तुरंत ही फोल्ड कर दें और फोल्ड करने के बाद जिस सेक्शन में भी आपको लगाने हैं, आपके हैं या बच्चों के हैं या किसी भी फैमिली मेम्बर्स के हैं, तो आप उसको उसी सेक्शन में रख दें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे खुद से अपने कपड़े निकालते हैं तो वो ना कपड़ों को ख़राब कर देते हैं, या कभी कभी ना हमसे खुद ही जल्दबाजी में कपड़े निकलते हैं ना तो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ना अपनी अलमीरा को पूरे तरीके से ख़राब होने का वेट नहीं करना है। अगर आप उसमें कपड़े वगैरह रख रही हैं तो कोशिश करें कि उसी वक्त में ही आप 1 से 2 मिनट दें जो भी कपड़े हैं उनको अच्छे से फोल्ड करके, या फिर जो उन हल्के फुल्के जो इधर से उधर हो गए हैं तो बस आप उनको सेट कर दें। तो इससे ना ये होगा कि आपकी अलमीरा बिल्कुल पूरे तरीके से ख़राब नहीं होगी। और जब आप इस तरह से छोटी छोटी सी यानी कि 1 से 2 कपड़े भी आपको अगर बिखरे हुए दिख रहे हैं आप उसको ठीक कर देंगी ना तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी नहीं बिखरेगी। और जब भी आप कवर्ड को अपने खोलेंगी तो आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा घर तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ऑर्गेनाइज है बट अंदर से तो बिल्कुल ही मैसी पड़ा हुआ है। तो बस यहाँ पे मुझे जो भी कपड़े हल्के फुल्के से बिखरे हुए लग रहे थे, धानिन की बास्केट जो कि कपड़ों की बिगड़ चुकी थी पूरे तरीके से, तो बस मैंने उसको यहीं पे ही ठीक कर दिया है। जो भी कपड़े मुझे रखने थे अच्छे से मैंने उनको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ना बस यही छोटी छोटी सी आदतें हमें अपने अंदर लेकर आनी है। जो काम हमें दिख रहा है तो हमें उसको ना नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, कोशिश करनी है कि हम उसको उसी वक्त में ही ठीक कर दें। ऐसा करने से आपका टाइम, आपकी मेहनत दोनों चीज़ें बचेंगी और प्लस आपका घर एकदम से ऑर्गेनाइज रहेगा।
बच्चों के खेलने के जितने भी टॉयज होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, आप उन सब के लिए ना एक बास्केट बना सकती हैं और उस बास्केट में आप टॉयज़ को रख दें और बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं कि ना खेलने के बाद आपको जो भी टॉयज़ वगैरह से खेले हैं वो आपने इसी जगह पर रखने हैं। ये आदत आपके बच्चों के भी अंदर आएगी। मेरा काफ़ी हेल्प करता है, और जो भी अगर वो पढ़ाई वगैरह करता है, अगर टॉयज से खेलता है तो वो खुद अपनी चीज़ों को उठाकर रख देता है, बट मैं ना उसको वीडियो में ज़्यादा लाना पसंद नहीं करती हूँ। तो जो भी टॉयज़ वगैरह हैं, जब आप उन्हें उठा के रख देंगे तो जिस जगह पे भी बच्चे खेले हैं, बैट वगैरह हो या जो भी हो, तो आप उसको फिर थोड़ा सा ठीक भी कर दें। हमारे घर में ना काफ़ी सारे ही चार्जर वगैरह होते हैं, फ़ोन के, लैपटॉप के, तो अगर ना हम इन सारे वायर्स को इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये भी एक मैस क्रिएट करते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। मेरे पास एक ये जूट बास्केट है छोटी सी, तो मैं ना इसमें सारे ही घर के जितने भी चार्जर वगैरह होते हैं, वायर्स वगैरह होते हैं, वो मैं इसी ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइज़र हो, आप कोई भी एक प्लास्टिक की बास्केट बना सकती हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास, आप किसी भी चीज़ का कोई भी एक कार्डबोर्ड ले सकती हैं और उसको आप चाहें तो रैप वगैरह भी कर सकती हैं या फिर एज इट इज़ आप उसको यूज़ कर सकती हैं। बट कोशिश करना है कि कोई भी चीज़ ऐसे ही आप उसको, मतलब चार्जर वगैरह जो भी हैं, आप उनको ना ऐसे ही ना रखें। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले चार्जर कितनी जगह ले रहे थे और अब इस तरह से बास्केट में मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, तो जगह भी कम ली प्लस देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मेरा पढ़ने जाता है, तो अगर वो स्कूल से आके ना अपना स्कूल का जो होमवर्क वगैरह होता है वो करता है, तो वो इस तरह से कलर वगैरह करना बच्चों को, तो ये काफ़ी चीज़ें उसको पसंद हैं। तो ना आप बच्चों को ये आदत डलवाएं कि अगर उन्होंने अपना होमवर्क वगैरह किया है, कोई भी काम किया अपने स्कूल का, तो उन सारी चीज़ों को वो अरेंज करके रखें। ये आदत बच्चों में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मीरा ये सारी चीज़ें मेरे खुद कर लेता है, बट मुझे वीडियो में ना उसको ज़्यादा लाना पसंद नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको ना वीडियो से थोड़ा दूर रखती हूँ। और ये ना मीरा की ड्राइंग है और इतनी अच्छी, मतलब उसकी पिक्चर्स वगैरह कलर्स होते हैं कि सारी पिक्चर्स में ही उसको गुड मिलता है। तो बस जो भी सारी उसकी चीज़ें थी, बुक्स वगैरह थी, कलर्स थे, तो बस मैं उसको उन्हीं की जगह पर, यानी कि मैंने उसकी एक अलमीरा बना रखी है स्टडी टेबल की, तो बस मैं उसमें ही उसकी सारी जो भी बुक्स वगैरह हैं वो रख दूँगी। हम लोगों के घर ना काफ़ी सारे ऐसे बॉक्सेस होते हैं जो कि मार्केट से आए हुए होते हैं, बट हम इन्हें फेंकना नहीं चाहते हैं, इनको रख लेते हैं कि कहीं भी हमारे ऑर्गेनाइज़र के रूप में ये आ जाएंगे। फिर ना ऐसा होता है कि अगर हम इन्हें किचन में रखते हैं, कोई दूसरा सामान उठा रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि ये एक चीज़ उठाने में दूसरी चीज़ ना अपने आप गिर जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह से एक बास्केट लेनी है, और बास्केट में आपके पास जितने भी टिफ़िन बॉक्स हैं या फिर इस तरह से छोटे छोटे से बॉक्सेस हैं, तो आप उनको अरेंज कर दें अच्छे से। उनके साथ की जो भी लिड वगैरह है, वो सारी चीज़ें आप अरेंज कर दें और एक ही बास्केट में रख दें, तो देखें बिल्कुल भी जगह नहीं गिरी और एकदम से सारी चीज़ें इतने सी ही बॉक्स में ऑर्गेनाइज हो गई। तो बस घर को ना हमें ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी घर को ऑर्गेनाइज करना है, और अब आप इसको कहीं भी अलमारी वगैरह में फिट कर सकती हैं, और आपको ना जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो बस इसी तरह से आपने बास्केट उठानी है और उसमें से सामान को निकाल लेना है। हम लोग ना अपनी स्पैचुला जो होती हैं, स्पून होती हैं, नाइफ वगैरह, सारी चीज़ें ही हम अपने ना एक होल्डर्स में रख देते हैं, बट जब हमें किसी एक चीज़ की निकालने की ज़रूरत होती है तो उसमें ना हमारा टाइम भी जाता है, प्लस फिर हमें ना थोड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आने लगता है कि एक चीज़ निकाल रहे हैं, दूसरी अपने आप ही निकल के आ रही है। तो आपने ना क्या करना है कि एक से दो छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बना लेने हैं, नाइफ वगैरह स्पैचुला जो हैं वो आपको अलग रखनी है, छोटी छोटी स्पून जो हैं वो आपको अलग रखनी है। तो बस यहाँ मैंने सारी चीज़ों को कैटेगरी वाइज रख दिया है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, तो उनके लिए ना आपने क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक ट्रांसपेरेंट जार ले लेना है और उसमें सारी ही जो भी स्पून वगैरह हैं आप उसको उसमें डाल दें और उसके बाद उसको रख दें अच्छे से। तो इससे ना ये आपको दिखती भी रहेगी कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपने जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो बस आप वो चीज़ निकालें और यूज़ कर लें। बस यहाँ हमें अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने घर की चीज़ों से ही घर को ऑर्गेनाइज करना है।
लंच बनाना हम लोग के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। फटाफट से हम लोग अपना लंच वगैरह बना के तैयार कर देते हैं। बट अगर मुश्किल होता है तो उसके बाद की क्लीनिंग। पर आपने ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। लंच अगर आपने बना लिया है तो बस आपने ना अपनी किचन को 5 मिनट और देने हैं। उसी 5 मिनट में आपने अपनी किचन को एकदम अच्छे से क्लीन कर देना है। कोशिश करें कि आप अपने लंच करने से पहले ये काम कर लें। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि अपने किचन से जब भी फ्री हो जाऊँ तो उसके बाद एक वाइप्स अपने किचन में ज़रूर लगा दूँ, जिससे कि ना मेरी किचन नेक्स्ट टाइम के लिए एकदम से क्लीन हो जाए। और जब आप ना ऐसा करने लगेंगी तो यकीन माने जब भी आप नेक्स्ट टाइम अपनी किचन में आएंगी तो आपको खुद बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होगा। मैंने यहाँ पे लंच बनाने के बाद अपना जो भी बचा हुआ सामान था लेफ्ट ओवर, तो उसको मैं उठा के फ्रिज में डाल दूंगी और उसके बाद ही यहाँ पे मैं अपनी किचन में एक वाइप्स लगा दूंगी, जिससे कि गैस स्टोव वगैरह है, काउंटर टॉप है, तो वो ना क्लीन हो जाए। और अब मुझे नाइट तक इस किचन में आना नहीं है। तो अगर बीच में ज़रूरत पड़ती भी है या फिर नाइट में हम डायरेक्ट अपना डिनर बनाने के लिए आएंगे ना, तो फिर जब हम देखेंगे तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने अपने सारे काम को ही इतना वक्त दिया है तो 5 से 7 मिनट क्यों नहीं, तो बस उनको और देना है और अपनी किचन को एक वाइप्स लगा देना है। इसी के साथ ही जो भी आसपास चीज़ें रखी हैं तो आप उनको भी हटा के वहाँ से एक वाइप्स लगा दें काउंटर टॉप पे अच्छे से, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके किचन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए एंड रेडी हो जाए, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम अपनी किचन में आए तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तो बस ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे से टिप्स, जो कि अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो यकीन माने आपका घर बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहने वाला है, वो भी बिना मेहनत के। तो अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर कि आपको कौन सा पार्ट्स वीडियो का अच्छा लगा। मैं बनाती हूँ इसी तरह से वीडियो जो कि हमारे घर से रिलेटेड होती हैं और साथ ही हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ी हुई। तो चलें, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।